आइए एक बार नजर डालते हैं प्रदेश सरकार के 4 सालों के कार्यकाल पर कि किस तरह का ये कार्यकाल रहा और आगे क्या कुछ तैयारी है गहलोत सरकार की। गहलोत सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकारी कामकाज और योजनाओं के बारे में जनता को बताने के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दें वहीं राज्य सरकार प्रदेश भर में प्रदर्शनी के जरिए अपने 4 साल के कामकाज का ब्यौरा जनता के सामने रखेगी, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएंगे उन महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जो राजस्थान में क्रांतिकारी कदम साबित हो गई है, जिनमें से एक है शहरी रोजगार गारंटी योजना। पेश है ये खास रिपोर्ट। माँ भाई गरीब लोग आता नहीं, सरकार काम दे रही है, ये भी 100 दिन का काम मिलेगा। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने देश में पहली बार शहरी गारंटी रोजगार योजना लागू की है। रोजगार के लिए क्रांतिकारी कदम उठाते हुए शहरी लोगों को भी मनरेगा की तरह रोजगार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। योजना का श्री गणेश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में किया था और गांवों में जहां इसे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना का नाम दिया गया, तो वहीं शहरों में से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से जाना गया। योजना में कुल 800 करोड़ रुपए खर्च करने का वार्षिक प्रावधान था और अब तक लाखों से अधिक जॉब कार्ड बन चुके हैं। आपको बता दें कि इस योजना में पर्यावरण संरक्षण कार्य, जल संरक्षण संबंधी कार्य, स्वच्छता एवं सैनिटेशन संबंधित कार्य, कन्वर्जेंस कार्य, सेवा संबंधित कार्य, हेरिटेज संरक्षण संबंधित कार्य सहित अन्य कई तरह के कार्य हो रहे हैं। जो सबसे गरीब व्यक्ति आपने देखा हो जिंदगी के अंदर, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा है, हर फैसला आप वो करो जिससे उस गरीब का भला हो। हमारी सरकार की मंशा वही है और मैंने खुद ने बचपन से ही कच्ची बस्तियां जो होती थी, हमेशा अगर ध्यान रखा कच्ची बस्तियों का, कच्ची बस्तियों को बसाने का, उनको नियमित करने का, कच्ची बस्तियों पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे, सड़कें बने, ये तमाम काम कांग्रेस के शासन में ही हुए हमेशा। बता दें कि योजना में 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है और 2.40 लाख से अधिक जॉब कार्ड बन चुके हैं। सदस्य योजना से जुड़ गए हैं। वहीं 99,000 परिवारों द्वारा रोजगार की मांग की गई है। योजना में 100 दिन प्रति परिवार को रोजगार दिया जा रहा है और 31,000 से अधिक ऑनलाइन मास्टर रोल जारी किए जा चुके हैं और 271 रुपए मेट की प्रति दिवस मजदूरी है, जिसमें 18 से 60 वर्ष की आयु वाले कार्य कर सकते हैं। साथ ही जनाधार के जरिए निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा भी रखी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने योजना का शुभारंभ करते हुए कहा था कि गांवों की तर्ज पर शहरों में भी हर हाथ को रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। पूरे देश में सबसे पहले राजस्थान के शहरवासियों को रोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के रूप में ऐतिहासिक पहल की गई है और अब राज्य सरकार योजना के अंतर्गत शहरों के हर जरूरतमंद परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए यूपीए सरकार के समय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम शुरू की गई थी और मनरेगा के सकारात्मक परिणाम देखने को मिले और देश भर में ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार के अवसर आसानी से सुलभ होने लगे, इससे जीवन स्तर में भी सुधार आया। उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान जब रोजगार का संकट बढ़ा तो यही योजना वरदान साबित हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला बजट में लिया गया था। ऐसे में शहरी रोजगार गारंटी योजना राजस्थान के लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है और शहरों में भी बेरोजगारों को बड़ी राहत मिली है और आंकड़ों के अनुसार महिलाओं सहित शहरी बेरोजगार बड़ी संख्या में इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां पर यूपीए सरकार की महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना की तर्ज पर शहर के लोगों को भी इंदिरा शहरी रोजगार गारंटी योजना का अधिकार मिल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के अनुसार पिछले दिनों उन्होंने जयपुर से ही इस रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत 100 दिन का रोजगार शहरी क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके तहत
सरकार ने 800 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट का प्रावधान भी किया है। एक तरफ गहलोत सरकार चौथी वर्षगांठ मना रही है, दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। राजस्थान में राहुल गांधी लगातार कई मंचों से इस योजना की तारीफ भी कर चुके हैं। राजस्थान में गहलोत सरकार की ओर से ऐसी कई जनहितकारी योजनाएं बनाई गई है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी का अधिकार के तहत ये योजनाएं शामिल है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयनाथ मिश्रा के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी। अभी हमने शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात की, अब करेंगे इंदिरा रसोई की। कहते हैं कि भगवान आदमी को भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। इसी कहावत को साकार कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके राज्य में राजस्थान में आम आदमी भूखा सोता नहीं है। उनकी इंदिरा रसोई आम आदमी का पेट भरने का काम कर रही है। पेश है ये खास रिपोर्ट। मुझे कहते घर है कि कोई भूखा नहीं सोया। प्रदेश में कोई भूखा नहीं सोए, संकल्प की दिशा में गहलोत सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संकल्प का परिणाम है कि इंदिरा रसोई योजना प्रदेश भर में गरीब, मजदूर, बुजुर्गों एवं सरकारी हॉस्पिटल, कृषि मंडियों में आने वाले किसानों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर सभी यात्रियों और प्रदेश के सभी नगर निकायों में जरूरतमंदों के पेट भरने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। गत 18 सितंबर को जोधपुर में 512 नई इंदिरा रसोइयों का एक साथ शुभारंभ कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रिकॉर्ड बनाया है। इसी के साथ इंदिरा रसोइयों की संख्या अब 870 हो गई है। आपको बता दें कि गहलोत ने 20 अगस्त 2020 को प्रदेश में कोई भूखा न सोए की संकल्पना को मूर्त रूप देकर 213 नगरीय निकायों में 358 स्थायी रसोइयों के माध्यम से इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ किया था। भूखा नहीं सोना चाहिए, सब लोग घरों बंद थे। मुझे कहते घर है कि कोई भूखा नहीं सोया। सबने एक दूसरे की इमदाद करी, मदद करी, सूखी सामग्री हो या खाना पका दिया हो। खाना पहुंचाने का बड़ा डर लगता था उस वक्त, लोगों को पता नहीं मेरे खुद को कोरोना नहीं हो जाए। तब भी लोग खाना पहुंचाने गए, नर्सेज ने, डॉक्टर ने अच्छा काम किया, पुलिस कॉन्स्टेबल ने खाना पहुंचाया। कहने का मतलब पूरे प्रदेशवासियों ने जो उस वक्त में आगे आगे काम किया उसको मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, मुझे अच्छा लगता। योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए जिले में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में रसोई संचालन के लिए 300 से अधिक स्थानीय सेवाभावी संस्थाओं या एनजीओ का चयन किया गया और करोड़ों भोजन की थालियां परोसी गई। ऐसे में इंदिरा रसोई योजना के लाभ और विशेषताएं भी आपको जाननी चाहिए। राजस्थान दिनों में लाभार्थियों को 5000 मिलीलीटर मिनरल वाटर की बोतल दिए जाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। फिलहाल इंदिरा रसोई योजना राजस्थान की जनता के लिए सही साबित हो रही है, क्योंकि आज के जमाने में जहां 8 रुपए में एक कचौरी नहीं मिलती, जहां गहलोत सरकार इंदिरा रसोई के माध्यम से जरूरतमंदों को 8 रुपए में एक समय का भोजन दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन टीवी, जयपुर। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में नए आयाम स्थापित हुए हैं। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल की बात करें या निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना से बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा के साथ सही पोषण भी मिल रहा है और ड्रॉप आउट में भी कमी आ रही है। आपको बता दें कि इस योजना के माध्यम से कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर राजस्थान में बढ़ा है। देखिए एक खास रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की नीतियों और फैसलों ने बीते चार सालों में शिक्षा जगत में क्रांति लाने का काम किया है। राजस्थान सरकार ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलकर सामान्य लोगों को भी अंग्रेजी शिक्षा से जोड़ने का कार्य किया है। गहलोत सरकार के द्वारा खोली जा रही 2000 इंग्लिश मीडियम स्कूलों से न सिर्फ बच्चों को फायदा हो रहा है बल्कि 10,000 शिक्षकों के लिए भी रोजगार का भी सृजन हो रहा है। बेटियों की शिक्षा के लिए गहलोत सरकार ने अपना खजाना ही खोल दिया है। बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की गई है। योजना के तहत छात्राएं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त विश्वविद्यालयों, सरकारी कॉलेजों, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, जिसमें छात्राओं की पूरी फीस की भरपाई गहलोत सरकार करेगी। तो वहीं पूर्ववर्ती सरकारों की बंद की गई यूनिवर्सिटीज जैसे हरिदेव जोशी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी और बीआर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को पुनः शुरू करके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को नई सौगात देने का काम किया। शिक्षा को लेके, बच्चों के फ्यूचर को लेके, अगली जनरेशन को लेके तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान में जो माहौल हमने बना रहे हैं, मेरे ख्याल से हजारों लोगों को हम लोग नौकरी दे रहे हैं, 90,000 तो अभी प्रोसेस के अंदर ही है, 50,000-60,000 अमेरिका दे दी गई नौकरी है, तो बड़े रूप में सरकार नौकरियां करीब सब मिला के करीब 3,55,000 नौकरी दे रही है। मेरे ख्याल से अन्य राज्यों में तो हालात बहुत खराब है। मैं गुजरात जाके आता हूँ अभी, आजकल तो वहाँ तो और हालत खराब है। तो मेरा मानना है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने जो 1,35,000 नौकरी दे दी, 1,25,000 प्रोसेस चल रहा है, उनके इंटरव्यू चल रहे हैं और एग्जाम हो रहे हैं, प्रोसेस के अंदर है, और 1,00,000 की और घोषणा कर रखी है। तो तमाम तरीके से आज हम लोग राजस्थान में सब सुविधाएं हैं बच्चों को, अब सेकेंडरी से सीधे सेकेंडरी स्कूल सब बना दी थी राजस्थान पर, हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर सीधे सेकेंडरी हो गए। कांग्रेस सरकार ने बीते चार सालों में शिक्षा जगत में और कौन सी बड़ी उपलब्धियों को हासिल किया, इसको लेकर हमारे संवाददाता रमेश कुमावत ने शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला से जानने का प्रयास किया कि राजस्थान में आगामी दिनों में गहलोत सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम करेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। ऐसे में इन 4 वर्षों में शिक्षा विभाग की क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं, इसके ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विभाग के मुखिया शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला साहब, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो बधाई, और अब ये जो बीते 4 वर्ष बीते हैं और ख़ास तौर पर आपके कार्यकाल में क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं शिक्षा विभाग की? देखिए, शिक्षा विभाग में मुख्य रूप से जो उपलब्धि रही है, एक तो हमने कोविड काल में पढ़ाई बच्चों की डिस्टर्ब हुई थी उनके लिए 3rd से लेकर 8th तक के बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश और साइंस, इन तीनों का ब्रिज कोर्स तैयार कराया और उसकी पढ़ाई कराई। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसकी परीक्षा ली गई, उसके कारण विश्व रिकॉर्ड बना और करीब करीब 1,33,00,000 बच्चों को इसका लाभ मिला और उन्होंने जो पढ़ाई में जो पीछे रह गए थे कोविड के कारण, वो उन्होंने एक तरीके से एट पार कर लिया। उसके बाद दूसरी उपलब्धि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल, हालांकि मेरे से पूर्व शिक्षा मंत्री ने खोल दिए थे, उसका हमने विस्तार किया। आज प्रदेश में लगभग 1500 से अधिक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा इंग्लिश माध्यम से दी जाती है। उसके बाद हमने अभी 900 से अधिक प्री प्राइमरी स्कूल, जिसको हम बाल वाटिका कहते हैं, उसकी शुरुआत की है। दिसंबर से ये शुरू हो जाएगा। इसमें भी आप ये देखिए कि 2 साल तक प्री प्राइमरी एजुकेशन, जैसे प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में दी जाती थी, खेल में जॉयफुल एजुकेशन हम देंगे और बच्चों को तैयार करेंगे। वही बच्चे फिर आगे आकर 1st, 2nd, 3rd, 5th इनमें जाकर के इंग्लिश मीडियम में तैयार हो सकेंगे और ये काम आगे चलता रहेगा अनवरत। अभी 900 से ऊपर स्कूलों में खोला, आगे और नए बजट में नए स्कूलों को खोलेंगे, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम के स्कूल और खोलेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि वे चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम के स्कूल खूब खुलें ताकि अभिभावकों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसके अलावा 12 अगस्त को हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पूरे प्रदेश में कुछ जगह सामूहिक, कुछ जगह स्कूलों में सामूहिक गान, जिसमें वंदे मातरम,
विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इसके अलावा आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। और इसके साथ साथ हम होंगे कामयाब एक दिन और जनगण मन, ये छह गीत एक साथ गाए गए और विश्व रिकॉर्ड बना। इसके अलावा 2 अक्टूबर को हमने गांधी जयंती के अवसर पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा की, उसका भी विश्व रिकॉर्ड बना। अभी हाल ही में 19 नवंबर को इंदिरा जी के जन्मदिवस के अवसर पर हमने एक नई शुरुआत की कि जो शनिवार है उस शनिवार के दिन चेस खेलें सारे लोग, वो भी उसके वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले जो हैं छानबीन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसका भी एक रिकॉर्ड बनेगा। हजारों स्कूलों में एक साथ, मैं खुद गया मालवीय नगर में, बच्चे बच्चियाँ जो है चेस खेल रहे थे, तो ये भी एक रिकॉर्ड बनेगा। इसके अलावा हमारे शिक्षकों के पढ़ाने के स्तर में विषय की अधुनातन जानकारी उनको, इसके लिए SIERT के माध्यम से हम लोग वक्तन वक्तन उनके सब्जेक्ट की ट्रेनिंग वगैरह करवाते हैं ताकि हमारा अध्यापक अपने विषय की पूरी संपूर्ण जानकारी रखे। फिर लगभग 1 लाख लोगों की भर्ती करने जा रहे हैं, उसमें 10,000 कंप्यूटर टीचर, 6,600 शारीरिक शिक्षक, 46,000 जो है रीट के अध्यापक L1 L2। इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, इन सब की भर्ती, इंग्लिश मीडियम के 10,000 अध्यापक, कुल मिला के 1 लाख अध्यापकों की भर्ती राजस्थान में होगी। तो ये नौजवानों की बेरोजगारी को मिटाने के लिए कदम उठाया जा रहा है। ऐसे अनेक काम शिक्षा विभाग कर रहा है जिससे राजस्थान में शिक्षा का विस्तार, गुणात्मक सुधार हो रहा है। तो वहीं शिक्षा जगत में जनहितकारी योजनाओं को शुरू करने के साथ साथ राजस्थान के शिक्षा विभाग ने कई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं, जिनमें 1 करोड़ स्कूली बच्चों ने देशभक्ति गीतों का गायन किया। इसके अलावा राजस्थान के शिक्षा विभाग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए 1.33 करोड़ OCR सीट का आकलन करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ऐसे में कहा जा सकता है कि गहलोत सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन आयाम स्थापित किए हैं। A1 TV के लिए जयपुर से रमेश कुमावत की रिपोर्ट।